भाई, भाई छोड़ दो भाई, भाई ये सब मत कर, चुप रहो तू भाई, समझो। आज के लोग हमसे बोलेगा कि तुम्हारी बहन बड़ी बहन ये कर रही है, आप नहीं समझ सकते हम लोग के खानदान के बारे में, नहीं जानते हैं। और हम लोग ऐसे ही रोड पर से आए हुए हैं, हम लोग का खानदान नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं दाइस खान और आज मेरे साथ है मनोज अंकल, रूबी आंटी। दोस्तों, इन दोनों के साथ में होने का एक जो रीज़न है वो अभी आपको पता चलेगा। और लास्ट वीडियो जो इनके साथ बना था, क्या खुशनुमा वाइब्स क्रिएट हुआ था। अगर आपने मिस कर दिया वो वीडियो तो प्लीज़ जाकर देख लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो मनोज अंकल, आप बताइए क्या रीज़न है सारी बात को, आप बताइए। थैंक्स दानिश कि हम दोनों को मिलाने में तुम्हारे और इनकी बेटी का इतना बड़ा हाथ रहा, और अब हम चाहते हैं कि अब हम एक हो जाए, अब समय आ गया है। और इसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं जिसका नाम है जाति प्रथा, जिस कारण से हम बिछड़े थे, फिर वही चीज़ फिर वापस आ रही है। 25 साल बाद भी सेम वही सिचुएशन, सेम, मैंने कुछ बदला नहीं। हमको लग रहा है कि हम शायद 25 साल पीछे ही चले गए हैं, कुछ भी सुधार नहीं हुआ दानिश। बहुत तकलीफ़ होती है इस बात के लिए। हम लोग तो कुछ लोग हैं जो निकल गए हैं, लेकिन किसी और का क्या बोलना, मेरे घर का ही ये मैटर है। मेरा भाई ही है जो इस सबके बीच में आ रहा है। मैंने उस टाइम के तरह इस बार भी हमको ऐसा लग रहा है कि किसी को हर्ट करके हम लोग साथ नहीं होना चाहते। जब रहना ही है, खुश होकर रहेंगे ना, तो इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए थी कि तुमसे शुरुआत हुई है तो शायद कुछ तुम करो कि उसके माइंड में कुछ ये सब सारा कुछ निकल जाए उसके माइंड से। तो अभी है कहाँ पे? वैसे तो बाहर रहता है लेकिन पटना आ गया है, और हम लोग एक दूसरे से अभी मिले नहीं हैं। हम सोचे कि डायरेक्ट यहीं पे पहले बुला लेते हैं, और ये चाहते हैं कि तुम कैमरा लगा कर सारा कुछ रिकॉर्ड करो और उसे समझाओ, उसके दिमाग से ये सारी जाति प्रथा निकाल दो। तुम कहो तो फ़ोन लगाएं, बुलाएं। बिल्कुल आंटी। हाँ दीदी। हाँ भाई, कहाँ हो? यही पटना में काम में लगे हुए थे, पटना में ही कुछ काम था। सुनो ना, थोड़ा आओ ना मिलने के लिए। कहाँ पे? हम लोकेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? तुम आज कुछ जरूरी है? हाँ, थोड़ा तुमसे मिलना भी था, किसी से मिलाना भी था। ठीक है दीदी, लोकेशन भेज दीजिए। हाँ ठीक ठीक। A few moments later, वो तो बोले मामा से क्या लेना है, लेकिन परिवार भी तो चीज़ होता है। परिवार जब तक मिला कर नहीं चलेंगे तब तक क्या ऐसे होगा। क्या कर रही हो तुम लोग? और तू भाई, के लिए भाई छोड़ दो भाई, भाई ये सब मत कर, चुप रहो तू भाई, समझो तो। छोड़ो उनको, छोड़ो छोड़ो, तुम यहाँ बैठो, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, हम बात करो। क्या समझाओगी? अरे सुनो, क्या समझाओगी? समझाना चाहती क्या हो? परिवार है, समाज है, सब कुछ देखते हुए कोई चीज किया जाता है। बाबू को सब पता है, वही तो मिलाएं। बाबू को क्या पता है? बाबू तो खुद बच्चा है, उसको क्या जानकारी, अच्छा बुरा क्या होता है नहीं होता है, जिंदगी का क्या बारे में पता है उसको? तुमको संभालना चाहिए, तुम वो तुमको संभालेगी। अरे बाबू सुनो सुनो सुनो, आप मत बोलिए भैया, एक मिनट। अरे कैसे नहीं बोले, हमारी भी जिंदगी की बात है, मैं कैसे नहीं बोलूं? नहीं आप एकदम मुझे मत बोलिए, एक मिनट चुप रहिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं, थोड़ी देर रुकिए। हम पहले संकीर्ण सोच से ऊपर उठो यार, तुम लोग संकीर्ण सोच से ऊपर उठो लोग समाज। तुम यहाँ पार्क में बैठी हो, 10 लोग देखेंगे, लोग हमको फोन करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा 10 लोग हमसे बोलेगा कि तुम्हारी बहन बड़ी बहन ये कर रही है। अरे हम तुमसे छोटे हैं दीदी, तुमको हमको देखना चाहिए, हम तुमको समझाएं अच्छा बुरा क्या होता है खानदान के बारे में। अरे बाबू खानदान सुनो ना, सुनो ना, तुमको समझाएंगे। ये पूरा देश कहाँ पहुँच चुका है और तुम अभी तक वहीं पे अटके हुए हो यार, बहुत बड़ी बात है ये, आप नहीं समझ सकते हम लोग के खानदान के बारे में, नहीं जानते हैं। और हम लोग ऐसे ही रोड पर से आए हुए हैं, हम लोग का खानदान नहीं है, हम लोग ये नहीं है। सोचते हो तुम क्यों? सोच अपनी जाति के लोग अपने ही लोगों से इतना सख्ती से पेश आ। अरे भाई, जाति प्रथा किसके लिए बना? जाति प्रथा किसके लिए बना? जो हमको 25 साल पहले भी जैसे प्यार करता था आज भी वही कर रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई?
समाज किसके लिए बना? हमारे और आपके लिए ना, कि हम समाज में रह के खुश रहे, ठीक से रहे। देखना भी हम ही लोग का फर्ज है भैया, ये जान लीजिए आप। हाँ, समाज में तो फर्ज तो है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है उसका निदान तो कुछ होता है ना, कुछ सोचना पड़ता है। आपके सामने आपकी बहन रो रही है, तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। अच्छी तरह जान रहे हैं तुम्हारा क्या है। ठीक है, जान रहे हैं अच्छी तरह से। चुप रहो एक मिनट। हम अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं आपको भी पता है? सारा पता है कि अच्छा काम कर रहे हो, बुरा ही काम कर रहे हो। अच्छा तुम कर नहीं सकते हो, आपके सामने किसी के परिवार के बारे में अच्छा तुम सोच नहीं सकते हो, ना कर सकते हो। ठीक है, हम गलत कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा बाबू एक बार बताओ, दो लोगों को मिलवाकर अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम गलत ही हैं? एकदम गलत कर रहे हो तुम, गलत है, तुम गलत ही कर रहे हो। अरे बाबू हमको एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम गारंटी लेते हो कि कल तुम्हारी बच्ची बड़ी हो जाए और उसके बाद वो दूसरे धर्म में या दूसरे जाति में शादी नहीं करे, इसकी गारंटी ले लो कि जो मैं पढ़े हूँ? इतना नहीं बोलने का जरूरत है। नहीं बोली है, सही जब बोल रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं यार, तुमको तो गारंटी लेते हैं आप? कोई गारंटी नहीं ले सकता, अभी क्या होगा, कोई गारंटी ले सकता है? आप बहुत डायलॉग मार रहे हो, आप एक बात बताओ कि इसकी स्थिति क्या है आज के डेट में? क्या है आज के डेट में क्या है? अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है, बेटी के साथ बहुत खुश है। ठीक है, आपकी बहन है ना, नहीं है। अगर खुश रहती तो हमारे साथ क्यों जुटती दोबारा? आपने इस पे ध्यान दिया? अब क्यों जुटती? अपनी बहन को तो छोड़ कर आप चले जाते हैं, आप रहते हैं इनसे अलग, मगर इनकी जिंदगी को आप देखने आए, ये कितना घुट के जीती है। इतने वर्षों के बाद हम मिले तब हम समझे कि इसकी क्या स्थिति है। अब ये बताइए, इनका जिंदगी खत्म हो चुका है? नहीं, इनका उम्र था। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं यार, इनके पति नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से मिलके अब एक अच्छा से परिवार जीना चाहते हैं। रो मत, अपने समाज में हम शादी कर देते हैं, करना ही है तो। ये क्या किए थे ना? अरे हमेशा वही घटना होता है कि एक बार हो गया गलत संयोग है, वो कहना नहीं, अपने समाज में कर देते हैं। मेरी बेटी को अपने बेटी की तरफ रखेगा ये गारंटी तुम लोग है? जिस इंसान से तुम मेरी शादी करवाओगे उसकी गारंटी लोगे कि वो उससे बात करके शादी गलत नजर से नहीं देखेगा? वो उससे बात करके किया जाएगा ना, बात करके हर बाद में फिर बदल जाएगा, तब बदल जाएगा। जाति और धर्म से ऊपर भी उठिए, यहाँ पे सारा चीज एक्सेप्ट करने के लिए अगर ये तैयार है, सारा चीज करने के लिए तैयार है रखेंगे, तो फिर क्या आपको दिक्कत हो रहा है भाई? इसको इसको तुम 25 साल से जानते हैं, ये कैसा था, ये कभी हमको नहीं छेड़ा तो मेरी बेटी पे कैसे गलत नजर रख सकता? और भाई तुम कैसे कह सकते हो कि वो इंसान मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं करेगा? कुछ कर लेगा तब तुम आओगे, क्या कर लोगे? ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है, इतना नहीं बोलो, नहीं बोलो, तुम बताओ इस बात का जवाब दो, क्या सोचो? कोई रहेगा उसको बचाने वाला? बाबू तुम्हारी भी बेटी है ना, तुम उसको गोद में ले कितना खिलाए आज, कम से कम उसकी खातिर तो देखो। चुप होके बोलो ना। अरे चुप हो, चुप हो, चुप हो, ज्यादा ये करने का जरूरत नहीं है। हद है आपका, क्या हद है मतलब? अरे तुम्हारी बहन है यार, मेरी भी बहन है ना, आप तो यहाँ तो छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के कहाँ जाते हैं, बेचारी खुश रहना चाहती हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे भैया? ये खुश रहना चाहती है, ये खुश रहेंगे, इनका जो भी जिंदगी रहेगी ना, ये अपना हंसी खुशी अपना जी लेगी। आपसे क्या चाह रही है, आपके खिलाफ भी तो जा सकती थी, बस एक हामी, बस हाँ। मन में खोट होता ना तो आपको फोन करके बुला के आप हमसे नहीं मिलवाती, मन में खोट होता ना तो कब का हम लोग 25 साल पहले ही स्टैंड ले लिए होते। कितना जरूरी काम से तुमको बाहर जाना था हम समझे थे, यही वो लड़का है जो आके मेरी मदद किया था। मदद किया होगा तो दीदी, अच्छी बात है। हाँ, तो फिर क्यों नहीं समझ रहे हो भाई, क्यों नहीं बात को समझ रहे हो? जाति प्रथा कुछ नहीं होता है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर आज बाबू किसी से बोलेगी, अगर उसे कोई लड़का पसंद हो तो क्या हम सिर्फ इसलिए उस चीज को ठुकरा देंगे क्योंकि वो दूसरी जाति का है? जाति का नहीं, अगर लड़का अच्छा रहेगा तो हम भी उसे अपना लेंगे। पढ़ लिख के आदमी क्या सीखा, क्या समझा, उसको अगर अमल में नहीं लाएंगे तो क्या फायदा? हर लड़का अच्छा है, हमारे पड़ोस में जो नंदू रहता था वो कैसा है, आज जेल में चल रहा है, हमारी जाति का था ना। बोलो तुम्हारे साथ हम उसको भी राखी बांधते थे, लेकिन क्या कलंक लगा के गया है, कितना घिनौना काम किया है वो, बोलो। दोस्तों जाति धर्म
ये सब चीज़ जो है हमारे देश को खोखला करते जा रही है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जाति प्रथा अपने माइंड से निकालें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके बता दें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, और इस टाइप की मैंटेलिटी के लोगों के पास खासकर जरूर शेयर करें। लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।